अभी यहाँ से एंड के ऊपर जो आपको वो वाला एरिया सारा नज़र आ रहा है वो चिल्लम है। उसके बाद वहाँ से आप चिल्लम के ऊपर से देवसई को है वो चढ़ना हम स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ की चीज़ें मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखें ये बारिश हमारे साथ कहाँ तक रहती है, मुझे लगता है सारी दिवस ही हो रही है। शो सर तो गई इस बार, लेट्स सी कि बड़े पानी का क्या सीन होता है। तो यहाँ पे आपको गाइड करता चलूँ कि चिल्लम हम पहुँच गए थे टाइमली, वहाँ से देवसई नेशनल पार्क में एंटर हो गए। लेकिन ये देखें पार्क में हुआ क्या, इट्स रेनिंग। रेनिंग तो नहीं कहेंगे, ये तो ओले और बर्फ ही पड़ रही है, चेक करें ज़रा। अब हमारी श्योसर भी गई और कहीं और भी रुकना सब कुछ, कोई नहीं, पहले दो तीन दफ़ा हो चुका है तो डजेंट मैटर। अच्छा यहाँ थोड़ा आपको गाइड करता चलूँ कि अब देवसई पे टिकट है, आप जब एंटर होंगे तो वहाँ पे आपको 300 रुपीज़ पर पर्सन पे करने हैं। मेरे ख्याल से फॉरनर्स के ज़्यादा होंगे लेकिन लोकल जो है वो इतने ही पे करेंगे। उसके अलावा यार प्लीज़ देवसई अभी साफ़ है, ये जो आपसे टिकट के पैसे ले रहे हैं ये इसकी मेंटेनेंस के लिए और इसको साफ़ रखने के लिए है, ठीक है। अगर इन्होंने ऐसा कोई इनिशिएटिव ले लिया है हमारी गवर्नमेंट ने और ये देवसई नेशनल पार्क वालों ने, तो आप लोग भी अपना ज़रा एक महज़्ज़िब शहरी होने का हक अदा करें, बराए मेहरबानी इसको गंदा मत करें, क्योंकि ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। हमारे पास जो ब्राउन बेयर्स हैं वो यहाँ देवसई में पाए जाते हैं, इसके अलावा मामोलेट्स हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं। जब ये गंदगी बढ़ेगी तो इन लोगों की जो लाइफ है वो ख़तरे में रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ से ग्रीनरी भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम भी नहीं आएंगे, फिर लोगों को क्या दिखाएंगे। अभी जिन चीज़ों के लिए पाकिस्तान मशहूर है उनकी तो कदर कर लें, काइंडली गंद नहीं फेंकना है। जो गंद होगा वो गाड़ी में साथ लेके जाना है, अगर स्कर्दू जा रहे हैं स्कर्दू जाके उसको किसी डस्टबिन में फेंकेगा, नीचे जा रहे तो नीचे चिल्लम जाके रहेगा। और ये देखें सामने हो क्या रहा है, I'm bit sad के ड्रोन नहीं उड़ेगा, ड्रोन इसी के लिए लिया था कि इसके हम कोई शॉट लेंगे, चलें जो अल्लाह की मर्जी। सो जी फाइनली श्योसर लेक इस खूबसूरत मौसम के अंदर, जबरदस्त सुभान अल्लाह। व्हाट अ व्यू, सुभान अल्लाह। गया पानी गया, जाना ही था। हाँ जी, चिल्लम से आधा घंटा एक घंटा, मौसम ख़राब था तो मैं एक घंटा लग गया। ऊपर आने के बाद जस्ट रीच श्योसर लेक। सर्दी ठीक ठाक है, मौसम बड़ा ख़राब है, इसका व्यू ऊपर से नहीं आ सकता, लेकिन आपको नीचे से दिखाता हूँ, थोड़ी देर के लिए व्यू दिखाएंगे आपको, उसके बाद मैं भी यहाँ से निकलूँगा क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है। थोड़ी देर पहले बारिश रुकी है, बारिश क्या वो हल्की हल्की बर्फ़ वगैरह थी, और ये नीचे जो मेरी मिट्टी है सारी, ये सारी नरम हो चुकी है। आप ये चेक करें, दिस इज़ अ ब्यूटी, पाकिस्तान श्योसर लेक देवसई नेशनल पार्क। डन विथ श्योसर लेक, बैड लक, ज़्यादा नहीं रुक सका क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो गया, बारिश होना शुरू हो गई दोबारा से, और एक और बैड लक ऊपर से व्यू नहीं ले सका। आई ट्राइड कि थोड़ा यहाँ पे ड्रोन को फ्लाई कर लिया जाए, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी कि वो स्टेबल ही नहीं हो रहा था, और थोड़ा सा ऊपर में लेके गया था उसको तो मेरा दिल साथ यूँ यूँ कर रहा था, मैं कह नहीं वापस फिर सही, कुदरत के साथ जो है ना पंगा नहीं लेते। चलें अब आगे, बड़ा पानी
दो सही क्रॉस करते हैं, देन इंशाल्लाह कर दूं। चेक कर जी, बारिश आज साथ साथ ही हमारे लगता है सारा देवसाई क्रॉस जब करेंगे फिर ही बारिश रुकेगी। जब यहाँ बारिश होती है फिर ठंड ज़रा और ज़्यादा हो जाती है, सुभानअल्लाह। अच्छा जी, ये है छोटा पानी, शिवसर से तकरीबन आधे घंटे अगर आप 4x4 पे हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह किसी ग्रैंड कैबिन पे हैं तो आपको एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा आराम से आना पड़ता है। यहाँ पर आपको थोड़ी टेंट फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, उसके अलावा खाने पीने का कुछ सामान मिल जाएगा, और इसके बाद अब बड़ा पानी है वो तकरीबन यहाँ से आधा घंटा दूर है, फिर बाकी खाने पीने की कोई चीज़ अगर आपको चाहिए या टेंट फैसिलिटीज चाहिए तो वो आपको फिर बड़ा पानी में मिलेगी। रात बहुत नासाजगार हो गए हैं क्योंकि मैं इस बार ग्रैंड केबिन में हूँ और 5-10 की स्पीड पे आना पड़ा है, रास्ता बहुत ख़राब था देवसाई में। लाइक फाइनली मैं बड़ा पानी पहुँच गया हूँ। यहाँ पे अस्तोर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाता है, आगे स्कर्दू बल्तिस्तान जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये सामने हम पुल क्रॉस करेंगे, हम फिर स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो जाएंगे। यहाँ से अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और लगेगा, और आगे का मुझे नहीं पता। यहाँ तक तो मैं 2017 में भी आया था, उससे पहले यहाँ से आगे मैं 10 साल पहले गया था। आई डोंट नो अब रोड आगे कैसा है, तब तो बड़ा ख़राब था, लेकिन सुन रहे हैं कि शायद बन गया हुआ है। ओवरऑल देवसाई का एक्सपीरियंस बड़े मज़े का जा रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा सा पीछे ख़राब हो गया था, उससे ज़रा छक्के छुड़ाए हैं, लेकिन अब मौसम बड़ा फैंटास्टिक हो गया है। लेकिन ड्रोन हम अभी भी नहीं उड़ा सकते हाई, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा, दूसरा हवा बहुत तेज़ चल रही है। चलें अब यहाँ पर कोई चाय वगैरह पियेंगे, खाना शाना खाएँगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे की तैयारी। बड़ी मशक्क़त के बाद हम काले पानी में पहुंच गए, और यहीं से साइड्स पे आप इधर पहाड़ों की तरफ जाएँ या उधर जाएँ तो आपको ब्राउन बियर्स मिलते हैं। जीप वगैरह करवा के आप जा सकते हैं, ट्रैकिंग करके आप जा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ज़रा कैंपिंग करनी पड़ेगी, वो अपने मूड के हिसाब से आता है। आई थिंक यहाँ पे कोई 43 या 23 जो हैं वो ब्राउन बियर्स बाकी रह गए हैं, सोचने वाली बात है, ये ख़तरे में है हमारा ये इकोसिस्टम। तो अगर मैं आपको सही पता कि कितने रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। बाकी चलें हमारा सफ़र जो है दोबारा स्कर्दू की तरफ गामजन है, आगे के रास्ते आगे दिखाते हैं। इसको ऑन कर देना ताकि हम डबल काम हो जाए, हमारा भी हो जाए, आपका भी काम भी हो जाए। दोबारा बताइएगा सर मुझे इसका। इसमें यह है ना कि SEO ने जो है इधर हॉटस्पॉट की सहूलत दी है। बेसिकली ये SEO जो है पूरे GB में जो है ना कम्युनिकेशन की सहूलत दे रही है, तो हमने ये टूरिस्ट के उसके लिए सहूलत के लिए जो है ना मोबाइल हॉटस्पॉट का जो है ना हमने इधर से इधर आगाज़ किया है, ताकि जो है ना टूरिस्ट अपने प्यारों से कनेक्ट रहें, अगर कोई लाइव आना चाहे या अपने वीडियोस और तस्वीरें शेयर करना चाहें तो इजीली वो जो है ना ये कम्युनिकेट रहे। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब बाद में तो इसके चार्जेस होंगे, लेकिन आज ये फ्री सर्विस चल रही है। जी बिल्कुल, ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी के लिए। रिसेंटली इसको स्टार्ट किया है तो फिलहाल फ्री है, तो पर आवर्स के आम थे थोड़े से, बहुत ज़्यादा नहीं, मगर ये है कि देवसाई मतलब आपने देखा कि बहुत बड़ी जगह है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, मशहूर है, तो यहाँ पे जो है ना इस तरह की सहूलत होना भी एक जो है ना बड़ी। इसकी वैसे रेंज कहाँ तक होगी इसकी? अब इसकी रेंज तो जो नॉर्मल हॉटस्पॉट की जो वाईफाई की जो रेंज होती है उतनी है। अच्छा, मतलब ये है कि आपको काफ़ी दूर तक जो है ना, क्योंकि यहाँ कोई रिकावट नहीं है, अली टॉप पे आके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अली मलिक टॉप पे यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं,
उसके अलावा एसकॉम की सर्विस आगे जाके आपको मिलेगी। तो ये हॉटस्पॉट बेसिकली हमने तीन जगहों पे ये इंस्टॉल किया है, एक ये यहाँ जोसाई टॉप पे है और ये शोसर लेक पे भी है और एक और बड़ा पानी पे, वहाँ पे भी हमने ये दिए। तो वो भी इंस्टॉल होने हैं शोसर पे और बड़ा पानी, वहाँ हो चुका है, वहाँ भी हो चुका है। हमने ये तीन जगहों पे जो है ना ये जो है ना इसको इंस्टॉल किया है। लगे तो ज़रा इसको ट्राई भी कर लेते हैं। जी जी SU दियो सही, ठीक है, ठीक हो गया। कनेक्ट करेंगे इसको। जी जी कनेक्ट करें। आ गया, कनेक्टेड आ गया, कनेक्ट हो गया, आ गया सर, जबरदस्त कनेक्ट हो गया सारा कुछ। मैसेजेस आना शुरू हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए, पता नहीं कब फुल 4G चलेगा सर। वो फुल 4G है जनाब, हमने फाइबर पे दिए, मतलब MBS में आपको स्पीड मिलेगी। जबरदस्त। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे चार्जेस वगैरह क्या होंगे वो भी जरा डिस्कस करें। चार्जेस है कि हमने पर आवर जो है ना 100 rupees रखे हुए। कुछ भी नहीं है यार। हाँ, इतना नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर आप इंटरनेट यूज करेंगे एक घंटे के आपको सिर्फ 100 rupees देने होंगे। 100 rupees है बस। इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लाइक मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 4G की प्रॉपर स्पीड आ रही है, लेकिन ये अपना ही खोल लेते हैं। बेहतरीन, सही है, बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा है। जबरदस्त, जबरदस्त। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, चले बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जी फाइनली देवसाई का सफ़र जो है वो बस एंड होने लगा है। अभी मैं पहुंच गया हूँ अली टॉप पे। अगर आप स्कर्दू से आएंगे तो पहला पॉइंट सबसे पहले अली टॉप आएगा, लेकिन अगर आप अस्तोर गिलगित वाली साइड से आएंगे तो दिस विल बी योर लास्ट पॉइंट। यहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट है, खाने पीने का सामान मिल जाएगा, नमाज़ पढ़ने की जगह है यहाँ पे। और इसके बाद अब हमारे वापसी जो स्कर्दू है नीचे, यहाँ से उतराई है सारी और रास्ता ठीक है। ऑलमोस्ट आधा घंटा या पौना घंटा लगेगा तो हम सीधा स्कर्दू सतपारा डैम पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस तकरीबन 3 घंटे का होता है। और ये एक सवाल जो हर दफ़ा किया जाता है कि कौन सी गाड़ी आती है, कौन सी गाड़ी नहीं आती। सारी गाड़ियाँ दियो से ही आ जाती हैं, सारी गाड़ियाँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रो टिप ये है कि अगर तो आपने दियो से ही को इंजॉय करना ना, तो फिर छोटी गाड़ी नहीं लेके आनी। आप 4x4 लेके आएँ, आपको स्टोर वाली साइड से भी रेंट पर मिल जाएगी अगर आपके पास अपनी नहीं है कहीं से रेंज, और अगर आपको स्कर्दू वाली साइड से मिल जाएगी। इफ़ यू वांट टू एंजॉय द रियल देवसाई तो आप 4x4 पे हैं, सफ़र आपको थकेगा नहीं बिल्कुल भी और आप अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलें अब आपको मैं इसके बाद नीचे स्कर्दू में मिलूंगा। हालत मेरी भी टाइट होगी, अब जाके कोई होटल वगैरह लेना है और फिर हमने सोना है और सुबह फिर हम स्कर्दू को विज़िट करेंगे। ओके, टाटा।